वहाँ मैंने एक वेलकम करती हूँ आपको आज की न्यू वीडियो में आज की जो मेरी वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो है जी कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है और ये कैसे यानी कि हमारे लिए हेल्पफुल होती है कंप्यूटर की ऑल अराउंड फील्ड में तो आइए हम अपना जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं विद एनी टाइम वेस्टिंग के तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बिसमिल्लर महिम कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स लाइक प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क एट्सट्रा कंप्यूटर क्या है ये यानी के एक नेटवर्किंग का सेट है यानी के जिसमें कनेक्टेड होते हैं वन टू मोर कंप्यूटर्स टुगेदर एक ही साथ ठीक है इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक ही ऑर्डर में जैसे कि उसने कहा इसका जो रिसोर्स होता है इन्फॉर्मेशन शेयर का उसने क्या एग्जांपल दी है कि वो हो सकता है प्रिंटर या फिर हार्ड डिस्क जो होगी इसका यानी कि वो जो शेयर रिसोर्सिस होंगे वो होंगे तो नेक्स्ट वो वो कह रहा है द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड विद वन एन अदर थ्रो केबल्स सेटेलाइट और टेलीफोन लाइन जो कंप्यूटर हैं ये नेटवर्किंग में किस तरह से कनेक्टेड कनेक्टेड होते हैं यानी कि नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं केबल्स के थ्रू यानी कि जो तार लाइन जिसे हम बोलते हैं उसके थ्रू या फिर सेट सिस्टम होता है जिसे कि सिग्नल सिस्टम भी बोला जाता है या फिर उसके थ्रू या फिर टेलीफोन लाइंस के थ्रू इनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर दिया जाता है शेयर फॉर परपज ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन द कंप्यूटर इन आर नेटवर्क आर आल्सो कार्ड नोट्स क्लाइंट्स वर्क स्टेशन और सर्वर्स ये जो कंप्यूटर होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं इनको क्या बोला जाता है इनको हम नेटवर्किंग भी बोलते हैं इनको हम है नोड्स भी बोलते हैं इनको हम है क्लाइंट्स भी बोलते हैं इनको हम वर्क स्टेशन भी बोलते हैं यानी कि जिधर काम किया जा सकता हो या फिर इनको हम सर्वर्स भी बोलते हैं यानी कि जिसके डिफरेंट नेम्स हैं जिसके नाम से इनको कॉल किया जाता है इनको बुलाया जाता है या फिर इनको जाना जाता है दे कैन शेयर ये शेयर करते हैं ये जितनी भी नेटवर्किंग है जो मैंने नेम बोले हैं ये इनका पर्पज़ क्या है इनका जो बेसिक पर्पज़ है वो सिर्फ़ एक एक ही है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना शेयर किस शेप में करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में शेयर करना उसकी भी डिफरेंट जो है वो यानी कि शेप्स हो सकती हैं तो या तो ये फाइल्स में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे या फिर रिसोर्सिस में ठीक है या फिर ये प्रोग्राम्स में इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे शेयर करेंगे द ट्रांसमिशन पाथ्स आर यूज टू ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स उन्होंने बोला है ये के ये जो नेटवर्किंग पाथ्स होते हैं जिनको नेटवर्किंग के नेम से जाना जाता है जिनके डिफरेंट नेम हैं इनका पर्पस क्या है इनका जी पर्पस है डेटा को यानी कि उन रास्तों के थ्रू ट्रांसफ़र करना बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर डिफरेंट कंप्यूटर के दौरान इसके सिंपल एग्जांपल जैसे कि आप किसी भी डिफरेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगे वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रॉपर सिस्टम लगा होता है उनके पास वर्कर्स बैठे होते हैं उनके पास कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जिससे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इसकी एक और सिंपल एग्ज़ाम्पल बैंकिंग है बैंक में भी मिनिमम जो हो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसमें क्या हुआ उसमें जो उन्होंने अपने वर्कर्स होते हैं वो बिठाए हुए हो होते हैं एम्प्लॉयज़ बिठाए होते हैं वो भी क्या है? करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं कनेक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ वन कंप्यूटर टू शेयर डेटा और इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सिस विद अदर कंप्यूटर्स कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी यानी कि उनका जो कनेक्शन होता है उनकी जो कनेक्टिविटी होती है उनकी जो एबिलिटी होती है वो होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर करना या फिर सोर्स करना रिसोर्स करना विद अदर कंप्यूटर या फिर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ एग्जाम्पल उसने पुटिंग की हुई है इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज इन एन ऑफिस कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है इसको ऑफिसिस में यूज़ किया जाता है डिफरेंट पीपल इन द ऑफिस कैन असेसिस कॉमन इंफॉर्मेशन डिफरेंट यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो असेस कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन तक एक कॉमन इंफॉर्मेशन तक जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड की जाती है इफ़ आल यूजर कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रो आर नेटवर्क दे कैन शेयर देअर फाइल्स एंड एक्सचेंज अगर आल यूज़र्स यानी कि जितने भी यूज़र जो हैं जो कि कंप्यूटर को चला रहे हैं अगर वो कनेक्टेड हैं थ्रू अ नेटवर्क एक नेटवर्क के थ्रू तो वो क्या कर सकते हैं वो शेयर कर सकते हैं फाइल्स को एंड एक्सचेंज कर सकते हैं ई को दे कैन आल्सो यूज फैक्सीज एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स फ्राम एनी कंप्यूटर इन अदर नेटवर्क दे कैन आल्सो सेंड यानी कि वो फैक्सीज सेंड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को एंड फिर उसको क्या कर सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू दूसरे कंप्यूटर को शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल नंबर जो इसकी सेकेंड है वो है जी इंटरनेट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट क्या है ये एक एग्जाम्पल है कम्प्यूटर नेटवर्किंग की इन विच मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड मिलियंस ऑफ जो कम्प्यूटर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रो फोन लाइन फोन लाइन्स के थ्रू पीपल यूजिंग दिस नेटवर्क एंड शेयर इन्फॉर्मेशन पीपल जो लोग जो हैं वो यूजिंग यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए नेटवर्क को फाइल्स एंड टॉक विद एन अदर फाइल शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं तो ये तो हमें पता ही है हम सबको ये ऐसी कोई खास बात नहीं है हमें पता है कि हम इंटरनेट जितने भी यूज करने वाले हैं तो हमें पता है कि हम उसे कैसे कैसे जो वर्किंग है वो हम उसको ले सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स होती है उसको यूज़ करते हुए या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो ऐप है उसको यूज़ करते हुए ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को लैसनी प्रेस कीजिएगा ताकि आने में जो न्यू वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके अपना रखिएगा खूब सारा ख्याल मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी अच्छी सी वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ तक मुझे दीजिए इजाजत अलाने के बाद